हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आज के इस क्लास के माध्यम से इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, इकोनॉमिक्स यदि आपके सिलेबस में है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टैटिक्स आपके सिलेबस में है, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, इंटरमीडिएट सभी स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ पूरा कोर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड अवेलेबल है। मिनिमम फी में पूरा कोर्स आपको मिलता रहता है। आज की इस क्लास में मैं इकोनॉमिक्स की शुरुआत करूँगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अर्थशास्त्र। हिंदी मीडियम क्लास है, लेकिन अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहा जाता है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। आपको ध्यान देना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में हम किन बातों का अध्ययन करते हैं? अर्थशास्त्र में आपको पता होना चाहिए जो भी क्रियाएं होती हैं, मौद्रिक क्रियाएं, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, सड़क देखते हैं, वस्त्र पहनते हैं, हमारे जीवन को जीने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें हम अर्थशास्त्र की श्रेणी में लेकर आते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या कहा गया है? समाज में ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए भोजन जरूरी है, तन बदन ढकने के लिए वस्त्र जरूरी है, उसके बाद कहीं पर आने जाने के लिए यातायात जरूरी है। आज के समय में, आधुनिक समय में बातचीत करने के लिए, यानी कि संप्रेषण करने के लिए, जैसे हम लोग सूचनाओं, जिसे हम क्या कहते हैं संप्रेषण को, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, डाक सेवाएं, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम भोजन जो करते हैं, जीवन में जीवित रहने के लिए सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तन बदन को ढकने के लिए कपड़े का यूज करते हैं, यातायात कहीं पर आने जाने के लिए यातायात के बहुत सारे साधन हैं, साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं, ठीक है। तो इससे, और आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में दवाएं आती हैं, डॉक्टर आते हैं, एम्बुलेंसेज आते हैं, औषधियां आती हैं, उसके अलावा अध्ययन करने के लिए, अध्ययन के लिए, पठन पाठन करने के लिए कापी किताब खरीदने हैं, जूता मोजा पहन के हम लोग स्कूल जाते हैं ना, मार्कर खरीदते हैं, बोर्ड खरीदते हैं, इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक क्या है? जीवन को जीने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जहां पर पैसे का लेन देन होता है, उसे बोला जाता है अर्थशास्त्र। उन्हें अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। आप एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत आपको ध्यान देना है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आजीविका को चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए जो भी
आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। आजीविका को चलाने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने बताया है अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, धन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में समाज के कल्याण का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी क्रियाएं हम लोग गेहूं पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, पठन पाठन करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, सब अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अपने कॉपी में आजीविका को चलाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे लिखेंगे डॉक्टर क्या काम करता है, चिकित्सा करता है, मतलब कि इलाज करता है। वकील क्या करता है, वकील मुकदमा लड़ता है। किसके लिए लड़ता है, पैसे के लिए लड़ता है कि शौक लगी है, ठीक है, मुकदमा कर। और इंजीनियर का जो काम होता है, इंजीनियरिंग काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA जो होता है, अध्यापक जो होता है, अध्यापक क्या करता है, पठन पाठन का काम का होता है। CA जो होता है ऑडिट करने का काम करता है, अंकेक्षण करने का काम करता है। इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर किसका काम करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो देखते हैं आप, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनें, उन पर जो भी, ठीक है, तो सब अपने अपने स्थान पे किसके लिए, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, धन कमाने के लिए जाते हैं, जिसे अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है, अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सबसे पहले एक एक टॉपिक समझिए, पूरा गारंटी के साथ कोर्स कराने का जिम्मा लेते हैं। अब आपको ध्यान देना है, लिखना है एक देश की अर्थव्यवस्था, एक देश का मतलब चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, अमेरिका हो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस, जर्मनी, जापान। कहा गया है एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मतलब होता है जो वस्तुओं को पैदा किया जाए, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो सेवा में आएगा, कोई CA है वो सर्विस देता है, सेवा देता है, ठीक है, कोई अकाउंटेंट है अकाउंटिंग की सर्विस देता है, कोई भी व्यक्ति वकील है तो मुकदमा लड़के सेवा देता है, इंजीनियर सेवा देता है, मतलब कि चाहे वस्तु का उत्पादन हो, समझिएगा, चाहे वस्तु का उत्पादन हो, चाहे माल का, चाहे सेवा का उत्पादन हो। वस्तु में मार्कर बनाया जाता है, कॉपी किताब, प्रिंटिंग प्रेस, पंखा, टेबल फैन, कूलर, AC, इन सभी चीज़ों की सेवा ली जाती है वस्तु में। सेवा में क्या आता है, टेलीफोन की सेवा, बिजली की सेवा, ठीक है, पढ़ाई की सेवा, चिकित्सा की सेवा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ठीक है, स्कूल की सेवा, ये सब सेवा में आता है। एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के बाद उपभोग का मतलब क्या होता है, उपभोग का मतलब होता है हिंदी में प्रयोग। जैसे वस्तु कोई है, मार्कर एक टीचर यूज करता है, इंटरनेट सब यूज करते हैं, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज सबके यहाँ यूज होता है। जो यूज करता है, जो प्रयोग करता है, वो क्या होती है, उपभोक्ता। जो व्यक्ति उपभोग करता है उत्पादन का, उसे क्या बोला जाता है, उपभोग करता है उसे उपभोक्ता बोला जाता है। भाई सिम, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम लोग जो सिम लिए हुए हैं,
हम लोग क्या उसके उपभोक्ता हैं। हम मार्कर खरीदते हैं, हम उपभोक्ता हैं। आप पेन खरीदते होंगे, आप उपभोक्ता हैं। पहले क्या होता है, उत्पादन होता है, चाहे वस्तु का उत्पादन हो चाहे सेवा का उत्पादन हो, उपभोग किया जाता है। उपभोग कौन करता है, उपभोग जो व्यक्ति उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है, इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। निवेश, निवेश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग पैसा जमा करते हैं, हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे। इन्वेस्टमेंट, निवेश का मतलब कुछ पैसा आता भी रहे। जो लोग पैसा मार्केट में लगाते हैं, मार्केट का मतलब कोई सामान खरीद लेते हैं, व्यापार में लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, उसे बोला जाता है निवेश, जो हम लोग पैसा जमा करते हैं। और विनिमय, विनिमय का मतलब होता है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, इंग्लिश में कहते हैं लेन देन। विनिमय में लेन का मतलब लेना, देन का मतलब देना। लेन को कह सकते हैं क्रय करना, देन को विक्रय करना। समझिएगा प्यारे भाइयों बहनों, जो भी हमारी वीडियो को देखेंगे, एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, चाहे वस्तु का उत्पादन किया जाए चाहे सेवा का उत्पादन किया जाए, उपभोग, उपभोग जो करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मार्कर हम यूज करते हैं तो हम मार्कर कंपनी के लिए उपभोक्ता कहलाएंगे। आप लोग कॉपी किताब यूज करते हैं, आप लोग खाना पीना यूज करते हैं, आप लोग चॉकलेट खाते होंगे, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, आप लोग ड्रिंक भी करते होंगे, तो उसके लिए क्या बोला जाएगा, उपभोक्ता। निवेश का मतलब क्या होता है, मार्केट में पैसा लगाना, चाहे किसी दुकान में लगाया जाए, कहीं चाहे शेयर मार्केट में, चाहे कहीं ना कहीं अपना पैसा जमा किया जाए जिससे कुछ कमाई धमाई हो। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, विनिमय का मतलब होता है क्या, लेन देन। लेन देन में क्रय करना, विक्रय करना, एक होता है वस्तु विनिमय, एक होता है मुद्रा विनिमय। आज के ज़माने में मुद्रा विनिमय बहुत ज़्यादा है, 99.99% मुद्रा विनिमय है। वैसे वस्तु विनिमय का ज़माना चला गया, जब पुराने ज़माने में लोग वस्तु का विनिमय करते थे, कोई किसी के पास गेहूं है तो चावल, चावल है तो गेहूं, दाल है तो गेहूं, ना बकरी है तो चावल, बकरा है तो, सब अपना आपस में लेन देन करने का काम करते थे ना, तो उसे कहा जाता था वस्तु विनिमय। आज के ज़माने में वस्तु विनिमय को ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता, आज के ज़माने में लोग सीधा बेच देते हैं, मुद्रा विनिमय आता है। आपको ध्यान दिया है, एक देश की अर्थव्यवस्था में ये सभी क्रियाएं शामिल होती हैं ना, उत्पादन शामिल होता है, उपभोग शामिल होता है, विनिमय शामिल होता है, शामिल होता है। अब आपको ध्यान देना है, कोई भी देश हो सकता है, कोई कोई देश होता है इन सभी चीज़ों को नियंत्रित अच्छे ढंग से करता है, कंट्रोलिंग पावर अच्छे ढंग से करता है। जैसे मैं अपने देश की यहाँ पर एक तरह से बेइज्जती ही मान लीजिए कि जैसे इंडिया अपना है, इंडिया की जितनी भी सरकारें नहीं हैं, चाहे जो सरकार हो चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वर्तमान सरकार, तो इसका प्रदर्शन बहुत बेकार है। कुछ भक्त होंगे, कुछ अंधभक्त होंगे, उनको हमारी बात बुरा लगेगी, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा उनको। इसके पहले की सरकारें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं की हैं, चाहे जो सरकारें हों। जैसे हमारा पड़ोसी देश क्या है, चाइना। चाइना में अर्थव्यवस्था को ऐसा कंट्रोल किया, ऐसा नियंत्रण किया, 20-30 साल पहले अगर जाएंगे तो चाइना भारत से पीछे था, समझिएगा, अर्थव्यवस्था के मामले में। आज चाइना एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर चुका है। इसका मतलब वहां की सरकार कैसी भी हो, उसने कंट्रोल ज्यादा किया। जिस मोबाइल से वीडियो बन रहा है, जिस माइक से वीडियो बन रहा है, ये सब कहां का है, सब चाइना का है। इसका मतलब उन्होंने अच्छी अर्थव्यवस्था के बारे में पकड़ स्थापित की, समझ रहे हैं। दूसरी बात छोड़ दीजिए, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, आप जानते होंगे बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पड़ोसी देश है, समझिएगा, हमसे बहुत कमज़ोर देश, हम लोगों से बहुत कमज़ोर देश। वास्तव में आज के ज़माने में अर्थव्यवस्था उसके यहाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, उस सरकार ने अच्छा काम किया अर्थव्यवस्था के मामले में। अब आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में आप सुने होंगे, बहुत महंगा महंगा सामान बिका, वहाँ की अर्थव्यवस्था भ्रष्ट हो गई, बर्बाद हो गई,
इसका मतलब वहाँ पर वहाँ की सरकार का प्रदर्शन लचर है, हम लोगों के यहाँ बचा हुआ है, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके चल रहा है। अमेरिका इतना भयानक देश, इतना अच्छा देश, मतलब इतना बड़ा देश अमेरिका है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था देखो कितना टॉप रहती है, डॉलर हमेशा मजबूत बना रहता है ना। दुबई है, सऊदी है, लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से कम पैसा कमाते हैं, यहाँ भेजते हैं तो कितना हो जाता है, 20-25-30 हज़ार हो जाता है, 40 हज़ार हो जाता है, 1-1 लाख हो जाता है। समझिएगा आपको क्या समझना है, एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, निवेश, उपभोक्ता, विनिमय को शामिल किया जाता है। जिस देश की सरकार इन सभी चीज़ों को अच्छे से नियंत्रित कर लेती है, उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहती है, वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। इन सभी चीज़ों पर जिन सरकारों का फोकस नहीं जाता, वहाँ की सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को अगर नहीं देखा जाता तो उस देश की अर्थव्यवस्था धरातल की ओर चली जाती है, भ्रष्ट होने की ओर चली जाती है। इसको अपने कॉपी में लिखिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं केंद्रीय समस्याएँ। आपको ध्यान देना है, आप बताने जा रहे हैं, हेडिंग डालिएगा नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपको ध्यान देना है, नियोजित अर्थव्यवस्था आपको लिखना है। इसके अंतर्गत ऐसी अर्थव्यवस्था व्यवस्था जिसमें सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए। ठीक है, ध्यान देना है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है किसी वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाता है, इसे नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको लिखना है, यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकार की क्षेत्र की अर्थव्यवस्था होती है, सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है इसमें। अगला लिखना है, उत्पादन पर उपभोग पर निवेश पर विनिमय पर इन सब पर उत्पादन उपभोग निवेश विनिमय इन सब पर केंद्रीय अधिकारी निर्णय लेता है। केंद्रीय अधिकारी निर्णय लेता है, केंद्रीय अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है। आगे इसमें सामाजिक कल्याण पर जोर दिया जाता है, सामाजिक कल्याण पर जोर दिया जाता है, समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो इस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अगला आपको लिखना है,
केंद्रीय अधिकारी यह निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कौन सी चीज़ का उत्पादन किया जाए, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन लोगों के लिए उत्पादन किया जाए, यह निर्णय नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है एक बार फिर से, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का पूरा कंट्रोलिंग पावर सरकार के हाथ में होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है किस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाएगा, सरकारी अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, कितने का नहीं किया जाएगा, जैसे दारू, शराब, नशीले पदार्थ, गांजा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था होती है वो तो अलग हो गई, कितने बेचा जाएगा, जैसे सरकार द्वारा जो रेट तय किया जाता है, रेलवे का किराया जो होता है सरकार द्वारा, सरकारी कंपनियों द्वारा पेट्रोल डीजल इसमें तय की जाती है, होता है कि नहीं, सरकार द्वारा। उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय पर केंद्रीय अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है। सामाजिक कल्याण पर जोर दिया जाता है कि समाज का अधिक से अधिक भला हो, समाज को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। केंद्रीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, जनता के लिए किया जाए। आगे आपको लिखना है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, आपको अपनी कॉपी में लिखना है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था। आपको लिखना है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जनता का नियंत्रण होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जनता का, पब्लिक का नियंत्रण होता है, कि किसका नियंत्रण होता है दोस्त, पब्लिक का जनता का, ठीक है। लिखना है आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्रों के हाथों में होती है, निजी का मतलब प्राइवेट सेक्टर में होती है, प्राइवेट, इसके पहले आपने पढ़ा सार्वजनिक सरकार, ठीक है। अगला लिखना है इसमें बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, इसमें बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, बाजारी शक्तियों का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में शक्तियां होती हैं, क्रेता, विक्रेता, दलाल, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं को प्रभावित करने वाले अन्य घटक, ठीक है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ होता है,
भैया अधिकतम उद्देश्य लाभ, प्राइवेट हवाई जहाज से चार्टर प्लेन से आप कहीं जाएंगे तो ज़्यादा किराया लगेगा, सरकारी वाले से जाएंगे तो कम लगेगा, ट्रेन से जाते हैं तो कम लगता है, प्राइवेट किसी बस से जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, सरकारी बस से जाएंगे तो कम लगेगा। सरकार वाले में जनता के कल्याण पर भी ध्यान दिया जाता है, इसमें जनता को चूसने का भी काम किया जाता है, इसे निजी क्षेत्र कहा जाता है ना। अभी आपको मैं बता दूं अगला लिखना है, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। इसमें कहा गया जनता, उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदता है, उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदता है। समझ में आया? जिस प्राइवेट दुकान में जाना होगा प्राइवेट दुकान में जाएगा, प्राइवेट सामान, जनता का प्रभुत्व होता है, जनता मालिक होती है, ठीक है, जनता जहाँ जाएगी ज़्यादा उसी का प्रभुत्व माना जाएगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला सरकार की अर्थव्यवस्था मैंने बताया, दूसरा निजी बताया, तीसरा मिश्रित मैं बताने जा रहा हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लिखना है इसमें, इसमें का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार एवं जनता अर्थात दोनों का नियंत्रण होता है, सरकार का भी नियंत्रण होता है और जनता का भी नियंत्रण होता है, पब्लिक का भी नियंत्रण होता है। समझ रहे हो? जैसे हम देखते हैं भारत में, अपने देश में सरकारी बस चलती है तो ये क्या होगा? अगला टॉपिक, प्राइवेट बस चलती है कि नहीं चलती है? सरकारी सिम मिलता है बीएसएनएल का, बहरहाल बीएसएनएल को भ्रष्ट कर दिया सरकार ने जानबूझ करके अपने मित्रों को फ़ायदा देने के लिए, और प्राइवेट भी सिम मिलती है ना, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, ये सब क्या है? प्राइवेट है थोड़ा, सही नहीं भैया? और आपको बताना चाहते हैं स्कूल सरकारी भी होता है, स्कूल प्राइवेट भी होता है, कॉलेज स्कूल कॉलेज ना होता है कि नहीं, अस्पताल सरकारी भी होता है प्राइवेट भी होता है, विद्यालय स्कूल ये सब क्या है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं आपके सामने, ठीक है, याद रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार और जनता दोनों का प्रभुत्व मिलता है, सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है, ठीक है, दोनों नियंत्रित एवं नियमित करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, आगे भी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो आपके कोर्स से संबंधित हैं। नमस्कार।